जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, महाराष्ट्र में आज देखा जाए तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ है और दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ऐसे महायुति तैयार हो रही है और वो महायुति काफ़ी मजबूत है। उसको अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठाकरे शिवसेना, इनको काफ़ी मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर वो इंडिया आघाड़ी में जाना चाहते हैं। उसने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनको खत भी लिखा है, लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं आया। लेकिन कल एक अच्छी बात हुई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन्होंने एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर को एक खत लिखा और उसमें कहा कि हम न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप शामिल हो जाओ। और बाळासाहेब आंबेडकर ने उस खत स्वीकार किया है और साथ में उन्होंने कहा है कि मैं आपके भारत न्याय यात्रा उसमें शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप पहले मुझे इंडिया आघाड़ी में ले लो ताकि जो समाज में वैमनस्य ना हो इसीलिए आप मुझे इंडिया आघाड़ी में ले लो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ और भारत न्याय यात्रा को मैं समर्थन देता हूँ और मैं इसके लिए आपके साथ खड़ा हूँ। और यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने बाळासाहेब आंबेडकर को लेटर लिखकर एक नया संदेश दिया है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक साथ तब आएंगे जब इंडिया आघाड़ी में उनको प्रवेश मिलेगा, तब भी वो एक साथ आएंगे। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता शिंदे गट में गए हैं और राष्ट्रवादी देखो तो अजित पवार गट अलग हो चुका है। उधर शिवसेना में देखो तो शिंदे गट वो भी ठाकरे शिवसेना से अलग हो गया है। ऐसे अलग परिस्थिति में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में जाते हैं तो महाराष्ट्र का समीकरण बदल सकते हैं। और आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा, इनको अगर न्याय देने की बात है तो एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर है। वो एक सक्षम नेता है और वो बाबा साहब आंबेडकर के पोते हैं। वो जानते हैं कि इस देश में अगर संविधान का शासन वो लाना चाहते हैं और
वो बार बार पंत प्रधान नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हैं कि आप आ जाओ हमसे डिबेट करो, और वो आरएसएस को चैलेंज देते हैं कि आप मेरे साथ बैठो और उस मुद्दे पर डिबेट करो। एक ऐसा खंबीर नेता है जो कि बहुजनों की बात करता है, और बाबा साहब आम्बेडकर, शाहू फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे बहुजनवादी विचारों का वारसा लेकर वो मैदान में खड़े हैं। अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठाकरे शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी एक हो जाते हैं तो, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में मनुस्मृति लाकर मनुवाद चलाना चाहते हैं, और एडवोकेट बाड़ा साहब आम्बेडकर, शाहू फुले आम्बेडकर जो पुरोगामी महाराष्ट्र है वो उससे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी अगर बाड़ा साहब आम्बेडकर की यह बात मानते हैं तो यह अच्छा संकेत है कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी राज्य में शासन पे आ सकती है और मराठाओं को, ओबीसीओं को वो न्याय दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।